जितने भी आरक्षण हैं वो सबको समाप्त कर दिया जाए। ये तो भी चाल है उन लोगों की, ये व्यवस्था जो है ये केवल चाल है कि इन लोगों का आरक्षण में जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो फिर लास्ट में जाकर के लोग खत्म कर देंगे जी। आपस में फूट डालो और राज करो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आरक्षण को वर्गीकरण न किया जाए, जो चल रहा था उसी तरह से चलने दिया जाए जी। क्या परिचय है तरह? हमारा नाम राम सागर गौतम, पूर्व प्रधान जीतीपुर। अरे अपनी ऊर्जा को तो भारत बंद आंदोलन किस लिए किया गया है? ये आम जनमानस कर रहा है, आम जनमानस पूरी तरह से आज बस्ती मुख्यालय की विभिन्न सड़कों पर उतर करके ये सरकार को बताना चाह रहा है। सरकार को पूरी तरह से ये बता रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ इसी तरह से साजिश रचते रहोगे और हमारी जो न्यायपालिका है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, समय समय पर आरक्षण के साथ जो कुठाराघात कर रहा है, हमारे जो ओबीसी एससी एसटी भाई को जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण पर जिस तरह से प्रमोशन में कुठाराघात किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चाहिए अच्छा आरक्षण, आप क्या करेंगे? क्योंकि हम अभी बहुत बैक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा है कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी, और लगातार जब हम सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो आरक्षण किसको मिलेगा? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण है, चाहे वो हमारे एससी एसटी भाई हो, ओबीसी भाई हो, जो प्रमोशन में जो हमारा आरक्षण जो है समाप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर भारत की सरकार इसके लिए अध्यादेश नहीं लाती है, इस कानून को समाप्त नहीं करती है, तो हम पूरी तरह से पूरे भारत में जन आंदोलित होकर के और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करेंगे। क्या परिचय है? भागीरथी पटेल, मैं जिला पंचायत का चुनाव परसरामपुर प्रथम से चुनाव लड़ता हूं और विभिन्न प्रकार के हमारे जो मतलब पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, हम हर संगठन को समर्थन देते रहते हैं, इसलिए चूंकि सही काम किया जाता है। जो है